आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नदी की है, चिंता हो रही है सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करे। क्योंकि बिहार शरीफ में आग लगी है इसलिए मोदी जी को बिहार की 40 की 40 सीट दे दीजिए। शुरुआत गुजरात में आग लगने से हुई थी, मोदी जी को आजकल 26 में 26 सीट मिलती है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो गोधरा में लगी आग के बाद ही उनकी किस्मत चमकी है, ऐसा हम नहीं कह रहे, नहीं एक संत बता रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु के सबसे बड़े शंकराचार्य निचलानंद बता रहे हैं। निचलानंद सरस्वती कह रहे हैं, गोधरा ना होता तो नरेंद्र मोदी ना तो इतने वक्त तक मुख्यमंत्री बने रहते, ना ही देश के प्रधानमंत्री बन पाते। इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि भाजपा का पूरा अपाल मस्तक वस्त्र शरीर राम भक्तों के खून से सना है। ध्यान रहे, विपक्ष दल के किसी नेता का बयान नहीं, ये सब दुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य निचलानंद का कहना है। वीडियो कब का है नहीं पता, मगर वायरल अब हो रहा है। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद यानी न्यू इंडिया का ही वीडियो है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। यही बात बीबीसी वाले डॉक्यूमेंट्री में दिखा देते हैं तो डॉक्यूमेंट्री बैन हो जाती है। यही बात एक पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन में निकाल लेती है तो उनको धमकी दी जाती है। यही बात आईपीएस अफसर कह देते हैं तो उन्हें तमाम तरह की यातनाएं दी जाती हैं। यही बात कई लोग कह भी नहीं पाते और कहने से पहले कहानी खत्म कर दी जाती है, क्योंकि अब मोदी जी देश भर के प्रधानमंत्री हैं इसलिए आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े धर्म गुरु का ध्यान उन पर जा रहा है। क्योंकि अब मोदी जी की दुनिया भर में भारत का चेहरा है इसलिए लंदन की मीडिया उनकी करतूत दिखा रहा है। मगर फिर भी आग लगने का जिम्मेदार ठहराए जाने के बजाय उन्हें ही चुनावी फायदा पहुंचाया जा रहा है। दंगा रोकने की कोशिश करते रहे होंगे देश के गृह मंत्री, अब नए इंडिया में तो दंगे को वोट में बुनाया जा रहा है। याद करिए, लगातार दो बार रिलीज होकर फ्लॉप होने का रिकॉर्ड बनाने वाली मूवी फ्लॉप एक्टर का वो डायलॉग, मुझे अपना नेता मानिए क्योंकि मेरा गुजरात जल रहा है। बस इन शब्दों में नहीं कहा था कि मुझे 26 सीट दीजिए क्योंकि मेरा गुजरात जल रहा है। बिहार में नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया इसलिए समीकरण तेजी से बदल रहा है। उसी को अपना पक्ष में करने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का ये प्रोजेक्ट चल रहा है। रामनवमी की शोभा यात्रा के नाम पर देश भर में दंगे का माहौल बनाया गया, कई मस्जिदों पर हमला किया गया, कई मदरसों को जलाया गया। आरोप है कि कई जगह मुस्लिमों द्वारा भी उत्पात मचाया गया। इससे अछूते बिहार भी नहीं रहा, वहां भी जमकर बवाल किया गया। दंगे की स्थिति भाप कर उस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी है तो नीतीश कुमार के शासन प्रशासन की थी, मगर असल सवाल है कि इस तरह से दंगा करके इससे फायदा किसको पहुंचाया गया? क्या नीतीश कुमार मंच पर खड़े होकर इस तरह के भाषण देकर वोट मांग सकते हैं कि बिहार में आग लगी है इसलिए हमें 40 की 40 सीट जिता दीजिए? क्या बिहार में के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस तरह दंगे की आग में अपनी रोटी सेक सकते हैं कि आग लगने वाली पार्टी के खिलाफ हमें 40 के 40 सीट दीजिए? क्या कांग्रेस या वामपंथ के लोग अल्पसंख्यकों पर हमले का हवाला देकर वोट मांग सकते हैं कि सांप्रदायिक भाजपा के खिलाफ हमें 40 की 40 सीट दीजिए? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लग जाएगा। देश बचाने की बात करेंगे, संविधान बचाने की बात करेंगे तो भी सिर्फ मुसलमान बचाने का आरोप लग जाएगा। पाकिस्तान में पटाखे फूटने का डर दिखाया जाएगा। आरोप लगने और डराने के में अगर भाजपा के नेता चूक भी जाएंगे तब फिर टीवी के एंकर अपने आप काम पर लग जाएंगे। न सिर्फ सांप्रदायिकता का आरोप विपक्ष पर लगाएगा बल्कि जरूरत पड़ी तो स्टेडियो में उनसे भिड़ भी जाएगा। इसलिए देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि बंगाल में आग लगी है, केरल में आग लगी है या बिहार में आग लगी है तो वहाँ की सरकारों से सवाल तो होना ही चाहिए, मगर सबसे जरूरी सवाल होना चाहिए कि केंद्र की सरकार उस आग को रोक क्यों नहीं रही है।
उसकी आड़ में रोटियां क्यों सेक रही है, इस दंगे की आग में कितने सीट पकाई जा सकती हैं, ऐसी संभावना क्यों देख रही है, दंगे की आग भड़काने के लिए ईंधन सप्लाई कर रही है, जो गोदी मीडिया वो फिलहाल किसकी गोद में बैठ रही है, बिल्कुल सवाल होना चाहिए हर उस जिम्मेदार शख्स से जिसकी चूक से कहीं दंगा फैलता है, मगर सबसे ज़्यादा सवाल होना चाहिए उन लोगों से जिनका दंगे की वजह से रोजगार फलता फूलता है।